तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं कंटेंट क्रिएटर पैसियो के मैटर के बारे में। तो गाइस, कल की वीडियो में पैसियो के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर इनिशियली इनकी तरफ से हमको एक वीडियो देखने को मिली थी। बेसिकली जहाँ पर अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हुए काफी इमोशनल हो गए थे, एनिमन रोने भी लगे थे। बट वहाँ पर गाइस पैसियो कुछ ऐसा बोले थे कि 14 साल की एज में इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है, एंड जो टाइम पर ये 17 साल के थे इन्होंने टॉयलेट साफ किए हैं। बट इसके बाद गाइस एक और मेंबर है नोक जॉर्ड, उनकी तरफ से भी हमको स्टोरीज देखने को मिली थी। बेसिकली जहाँ पर वो ये कहे थे कि 14 साल की एज में कौन सिक्योरिटी जॉब की नौकरी देता है भाई। एंड साथ में गाइस पैसियो के कुछ रील्स भी शेयर किए थे कि 17 साल की एज में तो आप KTM खरीद रहे थे। एंड उसके बाद गाइस हमको पैसियो की तरफ से भी एक रिप्लाई देखने को मिला था कि 2-3 दिन बाद वो लाइव आएंगे, ये सब पर बात करेंगे। बट इसके बाद गाइस आज हमको नोक जॉर्ड की तरफ से कुछ और शॉकिंग स्टोरीज देखने को मिली, जहाँ पर वो ये लिखे भाई ने एक 14 साल के बच्चे के 1 साल से पैसे खा रखे हैं। जो बच्चा उसको फैन मानता था उसको भी अपने हालातों का आरआर सुनाकर उससे बहुत सारी पेमेंट्स करवाई है। एंड जब उसने पैसे वापस मांगना शुरू किए तो उसको इग्नोर करना चालू कर दिया। एंड इसके बाद गाइस वो चैट के कुछ स्क्रीनशॉट एंड पेमेंट प्रूफ्स भी दिखाए, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यार गाइस, अब जैसे कि पैसियो बोले कि वो 2-3 दिन बाद लाइव आने वाले हैं, लेट्स सी उनकी तरफ से हमको क्या सुनने को मिलेगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोल जोकर की तरफ से, वो एक स्कैम को एक्सपोज करते हुए ये लिखे गाइस मेरे को बहुत सारे DMs आ रहे हैं, कुछ बंदे हमारी फेक BGMI IDs यूजिंग नेम विद पार्टनर टाइटल स्कैम कर रहे हैं लोगों से। बेसिकली जहाँ पर लोबी में जाकर वो कुछ लोगों से पैसे मांग रहे हैं, कुछ लोगों के साथ में गाइस ये स्कैम हो भी चुका है, तो प्लीज थोड़ा केयरफुल रहो। फिर इसके बाद गाइस वो अपनी BGMI IDs भी शो की, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड फर्दर वो ये लिखे, अगर हमारे नाम से कोई और बंदा आता है तो ये सब में मत फंस जाना। मतलब लिटरली गाइस एकदम हद हो रखी है, कैसे लोग ये तरीके से भी स्कैम करने का ट्राई कर रहे हैं। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गॉडलाइक के रिलेटेड, जो की निकल कर आती है जी गॉड की तरफ से। तो गाइस कल से शुरू होने वाले हैं BGS सेमीफाइनल्स 2 के मैचेस, जो भी सभी टीम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो भी टॉप 8 टीम्स होंगे केवल उन्हीं को चांस मिलेगा ग्रैंड फाइनल्स में जाने का। तो टीम के रेटेड गाइस ये गॉड रिएक्ट किए, अब देखिए। फेक होप्स नहीं दे सकते, मतलब अपनी टीम अभी तो क्या है, ग्रैंड तो कर ही रही है। आज भी अच्छा दिखाया, आज भी अच्छा दिखाया, मैंने चिकन का हां डिलीवर रेट में हां बट अच्छा कर रहे, मतलब उनकी गलतियों से सीख रहा, अभी जल्दी भी थोड़ा एग्रेसिव खिलाने का ट्राई कर रहा, फर्स्ट जोन में फाइट दिला रहा था, मैं उसके साथ खेल रहा था, मेरे को पता। बट अपना अभी तुम लोग का आदत है ना कि मर मर के थोड़ा क्वालीफाई करो फिर फाइनल्स में मारो, ऐसा है ना? गाइस ये TSM NTT के टाइम से चलते आ रहे, पहले के टाइम से चलते हैं, क्वालिफिकेशन में हमेशा अपने। तो गाइस टेंशन मत लो यार, हो जाएंगे क्वालीफाई, भरोसा रखो जॉनी जेली एडमिनो जीगॉट और सिम पे सपोर्ट करो, सपोर्ट बस सपोर्ट। एंड गाइस BGS के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो क्राफ्टन की तरफ से हमको एक पोस्ट देखने को मिला था कि अगर आप भी BGS का ग्रैंड फाइनल्स को देखने आना चाहते हो तो अब टिकट्स ओपन हो चुके हैं। बट गाइस गेस व्हाट, सभी टिकट्स को भी करंटली सोल्ड आउट दिखा रहा है, जिस पर वापस से रिएक्ट करते हुए क्राफ्टन इंडिया e-sports ये लिखे, थैंक यू फॉर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, चिंता मत करो, वी गॉट यू कवर्ड, हम लोग और भी टिकट्स को ओपन कर रहे हैं, रुको जरा सबर करो। तो यहाँ गाइस अगर आप भी हैदराबाद से या फिर BGS ग्रैंड फाइनल्स को देखने आना चाहते हो तो आप अपने टिकट्स को बुक कर सकते हो। और गाइस नेक्स्ट एक थोड़ी सीरियस एंड शॉकिंग अपडेट निकल कर आती है एक यूट्यूबर एंड गेमर कुंवारी बेगम की तरफ से। तो गाइस अचानक से ये अपने यूट्यूब एंड सभी सोशल मीडियाज को डिलीट कर दी हैं, क्योंकि इनके रिलेटेड गाइस एक क्लिप काफी वायरल होने लगी, क्योंकि ये बात कर रही थी चाइल्ड के रिलेटेड। अब पूरी वीडियो तो गाइस यहाँ पर मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ, बट छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूँ, अब देखिए। बेगम भाई मुट्ठी मारने की ट्रिप्स ट्रिक्स ट्यूटोरियल वीडियो बिन, यार मेरे पास तो पक्का मुट्ठी कैसे मारे पक्का बनाती, ऐसे नहीं करती यार, देख 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 देख, मैं बताती कि मुट्ठी और कैसे अच्छी मारी जा सकती है। एक छोटा बच्चा ढूंढो, छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो, उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, और फिर बस यू नो लाइक यू जस्ट हैव टू टेक दैट किड एंड डू समथिंग। एंड लिटरली गाइस ये चीज वायरल होने के बाद में बहुत सारे लोग इस पर काफी गुस्सा हो गए, इनफैक्ट पुलिस एंड अदर अथॉरिटीज को टैग भी करने लगे। अब इसके बाद अभी करने तो अपने सारे सोशल मीडियाज को डिलीट कर दी हैं, बट बहुत जल्दी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है नियो की तरफ से, वो बात किए BGS एंड उनके टॉप 3 टीम्स के रिलेटेड, अब देखिए। मेरे को ऐसा लग रहा है ये BGS ना, मेरे को जितना लग रहा है मेरे को लग रहा है जी जीतेगा, ये वाला BGS लग रहा है जी जीतेगा BGS। देखो मेरे हिसाब से अभी नंबर 1 टीम आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 टीम्स कौन सी है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सेंसेई ओरेंगुटैन एंड एक प्लेयर सिराज के रिलेटेड। तो क्या ओरेंगुटैन की एक कोई टीम बन रही है जहाँ पर हमको सेंसेई एंड कुछ अदर प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं?
ये चीज के बारे में गाइस सिराज कुछ लीक किए, आप देखिए। अभी सैलरी वेस्ट पे जाएगा तो या कोई वेस्ट ही जाएगा, देखते यार। वैसे अच्छी टीम में मैं सेटल नहीं हुआ तो मेरे बस की नहीं है भाई कंटिन्यू करना। अब मैं बता ही देता हूँ, अभी मैं ट्राई आउट दे रहा हूँ सेंसे के साथ, ठीक है। ओजी की टीम बन रही है तो वहाँ मैं ट्राई आउट दे रहा हूँ। देखते हैं वहाँ अगर मैं प्लेयर सेट नहीं हुआ फिर तो मेरे बस की नहीं भाई इतने मौके मिलके। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पैरा बॉय के रिलेटेड। तो गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जहाँ पर पीएल प्लेयर ट्रांसफर के लिस्ट में हमको पैरा बॉय का नाम देखने को नहीं मिला था, जिसके बारे में काफी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। फिर नोवा की तरफ से हमको एक न्यूज सुनने को मिली थी कि उन्होंने पैरा बॉय को ऑक्शन में लिस्ट कर दिया है 48 करोड़ रुपीज। बट स्टिल इसके बावजूद भी गाइस अभी तक पीएल प्लेयर ट्रांसफर के लिस्ट में हमको पैरा बॉय का नाम देखने को नहीं मिला है। एंड गाइस पैरा बॉय के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है सिड भाई की तरफ से। तो गाइस को एक जन सिड भाई से ये पूछे अगर इंडिया में ऑक्शन होता है तो कौन सा प्लेयर हाईएस्ट बिड होगा, जिस पर वो अपना रिएक्शन दिए, आप देखिए। इफ एनी ऑक्शन इन इंडिया व्हिच प्लेयर कैन बी हाईएस्ट बिडिंग, आई डोंट नो हाईएस्ट किस पे जा सकती है, बट आई थिंक मान्या आई फील फॉर श्योर विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट। निंजा विल बी इन दैट लिस्ट आफ्टर एवरीथिंग दैट मावी हैज डन, मावी माइट आल्सो बी हाई अप इन दैट लिस्ट। ठीक है, कोई मेरे साथ डिसएग्री कर सकता है बट मैं थोड़ा सा करंट फॉर्म के साथ भी बात कर रहा हूं, नॉट जस्ट पास्ट की बातें नहीं कर रहा मैं। एस्पावर कुड बी इन दैट लिस्ट मे बी, जब पैराबॉय के हिसाब से हम लोग अगर बात कर रहे हैं ऑल्सो बिकॉज ऑफ हिज ब्रांड वैल्यू, तो दोनों चीजें हम लोग को थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। आई फील लाइक निंजा हैज दैट ब्रांड वैल्यू। स्प्रेगॉड कुड बी एक्चुअली, आई थिंक स्प्रेगॉड या सारंग में से एक बंदा कुड बी इन दैट लिस्ट। स्काउट वगैरह यार करंटली कम्पीट इतना नहीं रहे ना, तो करो तुम लोग मेरा ओपिनियन पूछते हो, मेरा ओपिनियन तो एग्री नहीं करोगे। अब इसके दो तीन वीडियोस बनेंगे वहां पे, मेरे को लोग देंगे कमेंट्स में, उस चीज के लिए मैं रेडी हूँ, कोई बात नहीं। बट मेरे जो ओपिनियन है मैंने दे दिया। वैसे गाइस आपको इसके रिलेटेड क्या लगता है, कौन सा प्लेयर हाईएस्ट बिड होगा, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गॉडलाइक के रिलेटेड, जो की निकल कर आती है गॉडलाइक के मैनेजर हेडीज प्लेस की तरफ से। तो क्या हमको गॉडलाइक ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकती है, ये चीज के बारे में गाइस वो बात किए, आप देखिए। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप अपडेट, सो आई थिंक वी हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड दिस वीक, मैं तुमको नेक्स्ट मंथ बता सकता हूँ बिकॉज उस पर बहुत सारे बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है, अभी लीक नहीं कर सकता मैं बिकॉज वो सब बैकएंड में बहुत सारे चीज़ें चल रहे हैं, बड़े बड़े और सब इन्वॉल्व है उस पर। तुमको हिंट दे सकता हूँ, बिडिंग वॉर टाइप है अभी एंड वी आर ट्राइंग, ठीक है, एंड वी डोंट वॉन्ट टू बी स्टूपिड एंड डू समथिंग वर्स बिकॉज गॉडलाइक का पूरा रेपुटेशन कैरी करेंगे हम लोग। वर्स्ट सिनेरियो वी माइट स्किप स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप रादर दैन हैविंग सम। मैं तुमको प्रॉपर अभी अपडेट देखो लाइव पे तो नहीं बता सकता चीज़ें, बट जस्ट बिकॉज बहुत टाइम से यू नो आई डिडंट गिव एनी अपडेट ऑन ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, सो या दिस वाज इट। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जोकर की हवेली एंड सोल रेगल्टोस के रिलेटेड। तो गाइस जोकर की हवेली की स्ट्रीम पर उनकी एक टीममेट लाइव बैन हो गई थी, जिसके बाद हमको जोकर की हवेली का थोड़ा फनी रिएक्शन देखने को मिला, जिस पर रेगल्टोस भी अपना रिएक्शन दिए, आप देखिए। भाई मेरे को टीडी में क्या मारती थी, पर यार हैकर तो नहीं होनी चाहिए। अरे खेलती तो बढ़िया हूँ। अरे भाई क्या होगा? ओह पति। अरे दी पर। बोर्ड पर जोकर रहा है इसका। क्या सीन है? भाई बात करो उनसे प्लीज। अरे भाई रिक्वेस्ट भेज दो यार। हेलो। हैकर। सच में? चल रहे थे। और क्या? तभी तो बैन हुई, ऐसे थोड़ी बैन करेगा। गलती से हुआ होगा रे बेचारे का, ऐसा हैक तो नहीं करेंगे यार, डॉक्टर है वो यार। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीआई सेमीफाइनल्स 2 टीम गॉडलाइक एंड एसएटीएल सीड के रिलेटेड। तो गाइस सीड अपना रिएक्शन दिए गॉडलाइक इन सेमीफाइनल्स वीक 2 के रिलेटेड, आप देखिए। सेमीफाइनल वीक 2 में गॉडलाइक क्वालिफाई कर पाएगी, क्या लगता है सीड भाई? ऑनेस्टली हम लोग ने इसके बारे में कल भी बात किया, देखो मेरे को लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होगा। आई ऑनेस्टली होप जो बड़े फैन बेसेस वाले टीम्स है वो क्वालिफाई करे, किसी का नाम नहीं ले रहा बट क्या अच्छे फैन बेस है जिनका एक राइवलरी है वो क्वालिफाई हो, ताकि लैन पे उतना ऑडियंस आए, ताकि हाइप बने ये इवेंट का।
वीक 2 इज गोइंग टू बी सुपर हार्ड आई थिंक सुपर हार्ड बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मेरे हिसाब से आई डोंट नो मेरे को इना वे लगता है कि वीक 1 से ज्यादा वीक 2 होने वाला है वीक 1 ऑलरेडी इतना कंपैरेटिव था मेरे को लगता है वीक 2 तो बहुत ज्यादा कंपैरेटिव होगा मोको भी है उसमें सीजी है गॉडल है एंटिटी है आरजी है बहुत टीम्स है पर गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है डायनेमो की तरफ से तो ये चीज को लेकर डायनेमो थोड़ा गुस्सा हो गए तो बेसिकली गाइस डायनेमो आज जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे शुरू में तो वो बीजीएमआई खेल रहे थे बट फिर उन्होंने एक दूसरे गेम पर स्विच किया जिसके बाद कोई एक जन उनको कुछ लिखा जिस पर वो अपना रिएक्शन दिए अब देखिए इस अच्छा बीजीएमआई है मैं आपको चीज बताता हूं दुनिया ना बहुत बड़ी है एंड दुनिया के एक लाइक कोने में बैठ के ना तुम बीजीएमआई खेलते हो बहुत अच्छा गेम है मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा बहुत अच्छा गेम है मैंने बहुत ज्यादा खेला है जिंदगी में मैंने बीजीएमआई बहुत ज्यादा खेला हुआ लेकिन मैं बचपन से पेन खेलते आ रहा हूं प्लेस्टेशन पे फीफा खेल रहा हूं मैं बहुत सारे गेम्स खेल रहा हूं अब तुम लोग का जो माइंडसेट है तुम लोग का माइंडसेट बस एक जगह पे ऐसा जा रहा है कि बीजीएमआई खेलना है बस हो गया बट दुनिया में आप ना इंडिया छोड़ के बाहर जाओ अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे ना टेकन के इतने खतरनाक टूर्नामेंट कोरिया जापान मिडिल ईस्ट लेकिन तुम्हारे माइंडसेट में क्या भरा हुआ है बीजीएमआई तो यार ऐसे माइंडसेट को देखो मैं तो ठीक नहीं कर सकता और ना मैंने ठीक नहीं रखा कि मुझे माइंडसेट आपका ठीक करना है फिर हम बीजीएमआई भी खेलते हैं कभी शॉर्ट स्ट्रीम कभी लॉन्ग स्ट्रीम कभी कस्टम रूम्स कभी रैंक पुश हो गया मतलब मैं चाहूं तो मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूं जो कि मैं कर रहा हूं लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है और उसको लाइक मेरे को साफ नहीं कर रहा उस चीज को मेरा काम क्या है कि मेरा काम है कि एक माइंडसेट को वाइड स्पेक्ट्रम में लेके जाना जो कि मैं लेके जा रहा हूँ और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम सोल के रिलेटेड तो कल एक बीजीएमआई के टूर्नामेंट में हमको टीम सोल खेलते हुए नहीं दिखे थे जिसके बारे में सिड भाई बात किए व्हाट इज द रियल रीजन कि टीम सोल इसमें क्यों नहीं खेले थे आप देखिए एक इवेंट हम लोग नहीं खेल रहे या एग्जीक्यूशनर प्रो सीरीज वी आर नॉट प्लेइंग अपेरेंटली आई थिंक उधर कुछ टीएक्स के लिए कुछ आई थिंक स्लॉट का प्रॉब्लम हो गया था तो हम लोग भी नहीं खेलेंगे वो इवेंट और प्राइज मनी का भी शायद कुछ तो प्रॉब्लम आई एम नॉट श्योर बट टीएक्स को स्लॉट का प्रॉब्लम हो गया था तो वी आर नॉट प्लेइंग तो बेसिकली ऐसा है कि मतलब सोल 8 बिट टीएक्स टीजेड मोस्टली वो लोग के डिसीजंस आर यू नो यूनिफॉर्म मतलब जो एक बंदा डिसाइड करता है वो सब लोग डिसाइड करते हैं टीएक्स वीएक्स को स्लॉट का प्रॉब्लम होना ये तो है ये तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कोई भी इवेंट हो कुछ भी हो अगर टीएक्स को स्लॉट नहीं दे रहे तो फिर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है समझ रहे हो मतलब एक ही टीम को दो दो तीन तीन स्लॉट मिल रहे हैं अलग अलग उनके क्रिएटर्स क्रिएटर्स के नाम पे और अगर टीएक्स को स्लॉट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग मैं अपने भाई के साथ खड़ा रहूंगा अगर स्काउट ने कोई भी हाफ डिसीजन ले लिया कि ये इवेंट नहीं खेलना है टीएक्स को तो हम लोग एज सोल 8 बिट भी हम लोग नहीं खेलेंगे इवेंट को बहुत सिंपल चीज है उसमें कुछ देयर इज नो कंट्रोवर्सी और एनीथिंग इट्स अ वेरी सिंपल थिंग हम नहीं खड़े होंगे उसके साथ तो कौन खड़ा होगा और At the same time, he will also stand with us. तो बस गाइस प्लेयर के वीडियो में इतना ही था वीडियो पसंद है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय.